वार एंड पीस और एना करेणिना जैसे उपन्यासों के रचयिता महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की ईश्वर में अनन्य श्रद्धा थी। वे अक्सर प्रातःकाल की प्रार्थना के लिए चर्च जाया करते थे। एक दिन वह यह सोचकर कुछ जल्दी चर्च के लिए निकल गई कि आज शांत वातावरण में अच्छी तरह से प्रार्थना कर सकूंगा। वहां पहुंचने पर टॉल्स्टॉय आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक व्यक्ति जो उनसे भी पहले आया हुआ था आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझ पापियों को क्षमा करिए। मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि उन्हें कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है, लेकिन आप तो सब जानते हैं। जब टॉल्स्टॉय ने उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी तो वे सोचने लगे कि यह व्यक्ति वास्तव में कितना महान है, जो सच्चे हृदय से परमात्मा के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए उनके लिए पश्चाताप कर रहा है। आज यदि किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया जाए तो वह गुस्से में मारने को दौड़ता है, और एक यह इंसान है जो अपने आप को ही अपराधी मान रहा है। जब टॉल्स्टॉय उस व्यक्ति को देखने की इच्छा से उसके पास गए तो वह उसे पहचान गए। वह उसी नगर का एक धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति था। जैसे ही उसने प्रार्थना करके अपनी आंखें खोली तो उसने टॉल्स्टॉय को सामने खड़े देखा। उन्हें देखते ही वह घबरा कर कहने लगा, महाशय, कहीं आपने मेरी प्रार्थना तो नहीं सुन ली है? टॉल्स्टॉय ने सहजी उत्तर दिया, जी हाँ, और आपकी ईश्वर निष्ठा और सच्चाई को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति को इस तरह से अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए नहीं देखा था। उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति नाराजगी जाहिर करते हुए टॉल्स्टॉय से बोला, वह बातें सिर्फ मेरे और ईश्वर के बीच की थी, मेरी उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को सुनाने की इच्छा नहीं थी। अब जब तुमने वे बातें सुन ही ली हैं तो उन्हें किसी दूसरे से बिल्कुल मत कहना, वरना यह तुम्हारे लिए कतई अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर टॉल्स्टॉय हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उस आदमी से कहा, पर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आपने इतने अधिक पाप किए हैं। उनकी बात समाप्त होने के पहले ही उस आदमी ने बीच में रोककर कहा, हाँ, लेकिन वे बातें मैंने सिर्फ भगवान को बताने के लिए कही थी, दुनिया वालों के लिए नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। टॉल्स्टॉय उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे, यह दुनिया भी कितनी विचित्र है, जहां इंसान दूसरे लोगों से तो डरता है लेकिन भगवान से नहीं। लोग ईश्वर को भी बस एक ऐसी सत्ता समझते हैं जो थोड़ी सी चापलूसी से खुश होकर उनके हर अपराध को क्षमा कर देगा, पर वे यह नहीं जानते कि जो दुनिया के सामने अपनी सच्चाई प्रकट नहीं कर सकता, वह भगवान के सामने कैसे सच्चा बन पाएगा। जॉर्ज बॉकली ने भी कहा है, हर कोई सच के बारे में बात करता है, लेकिन कुछ लोग ही इस पर अटल रहते हैं।